पॉल्यूशन। अब शायद ये एक वो शब्द बन गया है जो हमारी जिंदगी से इस कदर जुड़ गया है कि उससे दूर अब हम हो नहीं पा रहे, या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो इस पॉल्यूशन से हमें मुक्त नहीं कर पा रहा। तो ये पॉल्यूशन हमें किस तरह की बीमारियां दे रहा है? नॉर्मली सांस से जुड़ी बीमारियां, अस्थमा या फिर नजला जुकाम, इस तरह की तो हम चीजें आम तौर पर देख रहे हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन और कितनी खतरनाक बीमारी हमें दे सकता है, हमारी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सांस रोग श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप नायर मौजूद हैं। सर, नॉर्मली तो हम पॉल्यूशन से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन ये पॉल्यूशन हमारी जिंदगी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और कितनी खतरनाक बीमारियां हमें दे सकता है? अभी नहीं तो आगे जाके ये पॉल्यूशन कितना हमारी जिंदगी के लिए हानिकारक हो सकता है, थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई कि हम सबको मालूम हो रहा है, ये कम से कम मालूम पता चल रहा है कि ये सांस रोग या आंखें की जलन और नाक में तो दे ही रहा है प्रॉब्लम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो छोटे छोटे कण होते हैं जिसको हम PM 2.5 कहते हैं, वो इतने छोटे कण होते हैं और जाके हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ वो कण जाएंगे। सो इमीडिएटली अगर इफेक्ट नहीं भी दे रहा तो फ्यूचर डेफिनेटली देगा। कोई ऐसा शरीर का पार्ट नहीं है जो इससे इफेक्ट नहीं हुआ है, और कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ भी अब पता चल रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन है जो हो रहा है। अभी हमें जरूर तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे जाके और ज़्यादा तकलीफ होनी होगी। एक बड़ी अच्छी स्टडी आई थी US से, जिसमें बताया गया कि ये जो ब्लड हार्ट प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा कर सकता है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट से ही। एक बार जब वहाँ पे ये जाते हैं कन, तो इवन हार्ट अटैक और भी गंभीर समस्या आ सकता है। तो कैंसर, हार्ट अटैक और कैंसर कहीं का भी, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ लंग कैंसर हो रहा है जो हम सबको मालूम है, इवन इंटेस्टाइन का कैंसर, इवन पैनक्रियाटिक कैंसर, इवन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी उसका कैंसर हमारे को होने की संभावनाएं हैं। सो इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इसके सिवाय हमारे ब्रेन को इफेक्ट कर सकता है आगे जाके, जो हमारे जो अगर देखा जाए तो हमारी क्षमता जो है ब्रेन की काफ़ी कम हो जाती है। हमें एमनीजिया, भूलने की बीमारी, ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं क्योंकि हमारा अब जो दिमाग है वो इससे काफ़ी प्रभावित है। अब एक और देखा गया कि जो छोटे छोटे कण हैं वो इवन मेटल्स के इसके अंदर पाए गए हैं, जो कि कितना खतरनाक है, वो डेफिनेटली हमारे को और ज़्यादा हार्म करता जा रहा है। सो बहुत ज़्यादा हमारे को इसके बारे में डर लग रहा है और हमारे को प्रिकॉशन लेनी चाहिए इसके लिए। सर, अगर आपके होल करियर की बात करते हैं तो इस पॉल्यूशन के बढ़ने से आप कुछ चेंज महसूस कर रहे हैं, या एज ग्रुप में महसूस कर रहे हैं वो चेंज की, अब बच्चे भी आने लगे हैं, मतलब किस तरह की बीमारियां ज्यादा आपके पास अब आने लगी हैं और किस एज ग्रुप के बच्चे? सी, अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बात करूँ तो आजकल एजिंग बड़ी जल्दी होनी शुरू हो गई है। अगर आप पुराने हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उनकी हेल्थ 80 ईयर्स पे थी एट एन एवरेज, आजकल वो 60 ईयर्स पे होने लगी है क्योंकि वो पोल्यूशन से काफ़ी प्रभावित हैं। हम उतने स्वस्थ नहीं हैं क्योंकि हम वो स्वच्छ हवा ले ही नहीं पा रहे हैं, और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, खासकर एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस जिसको हम कहते हैं, जो छोटे से बच्चे हैं जो या एल्डरली लोग हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जो अभी नवजात शिशु है, जो अभी बाहर निकला ही है, उसको नेबुलाइजर्स और ये सब दिया जा रहा है, जो जिसका हमने कभी सुना भी नहीं था जब हम बच्चे थे। सो ये क्यों? क्योंकि पोल्यूशन है। सो डेफिनेटली ये सब चीज़ें हर एक एज को प्रभावित कर रहा है, लेकिन एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में वो ज़्यादा कर देता है। लेकिन आई एम रियली स्केयर्ड, काफ़ी ज़्यादा हमारे को भय लगता है कि हमारे जो अगली जनरेशन है वो पता नहीं किस हवा में जीने वाले हैं। सर, आज जो हमारे नौनिहाल है, जो नवजात जिसने इस दुनिया में जन्म भी नहीं लिया है, आप उनका फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं? सी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, उनको भी हम यही कहते हैं जरा पोल्यूशन से बच के रहे, क्योंकि वो जो सांस लेगी या जो वो पोल्यूशन का जो अपने अंदर बॉडी में जाएगा, वो डेफिनेटली बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसको जाके इफेक्ट करेगा। सो देर काफ़ी चांसेस है, जैसे उनकी जो नवजात शिशु जो पैदा हो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये पोल्यूशन इज गोइंग टू इफेक्ट देम ऑल्सो। सो बहुत ज़्यादा इस बारे में हमारे को अध्ययन भी चल रहा है, जिसके बारे में सब लोग लगे हुए हैं। अब लगे तो हैं लेकिन पोल्यूशन कम नहीं हो रहा है, तो इट्स हाई टाइम हम सब इसके लिए काम करें और पोल्यूशन कम करें, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, उन दोनों के दोनों काफ़ी हार्मफुल है, और इवन हमारे जो एल्डर्स हैं, दे आर ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा
इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। सर, ये जो प्रेजेंट हम कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ हम दिल्ली में ही इस तरह के हालात बेहद खराब आपको दिख रहे हैं या फिर बाहर से भी लोग आते हैं, मतलब आउटसाइड दिल्ली? सर, काफ़ी जगह है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में प्रभावित है, पर दिल्ली में इस टाइम सबसे ज़्यादा है। बीच में तो अगर आप देखें तो इवन चाइना में, बीजिंग में और ये सब जगह भी काफ़ी पोल्यूशन देखा गया था, और इवन इंडिया में भी काफ़ी जगह ज़्यादा पोल्यूशन देखा गया, बट इस टाइम दिल्ली हैज़ टेकन ओवर, वो इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रभावित है। पेशेंट्स में कितना इंक्रीज हुआ है आपके? काफ़ी ज़्यादा, हमारा जैसे 15-20% पेशेंट बढ़ गया बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बाकी तो होता ही है जो प्रॉब्लम है, लेकिन अब पोल्यूशन के कारण जो इनको इफेक्ट ज़्यादा होता है वो ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी बढ़ गया है पेशेंट हमारा। और जैसे मैंने कहा कि कुछ तो अभी बढ़ गया, और आई एम स्केयर्ड कि कुछ फ्यूचर में जो उनको इफेक्ट आने वाला है, कहीं हमारे को उसके लिए भी कहीं से हमारे को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए भी हमारे को काफी। अब तो हम घर पर भी बैठने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडोर पॉल्यूशन भी इतना है। बिल्कुल, इनफैक्ट दिस इज अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली अवर जो पूजा और ये सब करते हैं घर में मंदिर में, कि वो अगरबत्ती है या धूप जो जलाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। अगर आप इसको, और खासकर जो मंदिर हमने इसको कोने में बनाया होता है उसमें खिड़की भी नहीं होती है, और सुबह से पूजा करते हैं और एक धूप में पता नहीं कितनी सारी सिगरेट के बराबर की है, और अध्ययन में तो कहा गया था इवन 15 से 20 सिगरेट का पोल्यूशन जाता है। इवन जो हम अगर वो मच्छर भगाने के लिए जो लगाते हैं टॉर्टोइस कॉयल और ये जो मॉस्किटो कॉयल्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी पोल्यूशन है। तो अब इंडोर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हम अब एक फ्लैट्स में ज़्यादातर लोग रह रहे हैं जिसमें वेंटिलेशन की कमी है, और फिर क्योंकि बाहर पोल्यूशन को डर के मारे हम खिड़की वगैरह बंद कर देते हैं, और फिर अंदर हम पोल्यूशन बढ़ाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अंदर रह रहे हैं, तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंडोर पोल्यूशन का भी काफ़ी खतरा है हमारे लोगों पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ बाहर का ही पोल्यूशन हमें हमारी सेहत को ख़राब नहीं कर रहा, बल्कि घर के अंदर का जो पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं हमारी सेहत बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पर हम तो फिलहाल जी रहे हैं शायद 60 और 65 बरस जो हमारी उम्र घट चुकी है, जो हम जो 80 थी वो 60 पर आ चुकी है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो हमारे नौनिहाल हैं उनकी ज़िंदगी पर और उनकी आने वाली ज़िंदगी पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अब इस पॉल्यूशन को कर्व किया जाए, इस पॉल्यूशन को कम नहीं बल्कि ख़त्म किया जाए। कैमरामैन रोहित के साथ पूजा राठौर, शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।